दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर गर्ल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और नागपुर शिष्ट साहित्य के अंतर्गत पनकीपरा भागवन में संकलित कहानियों को देख रहे हैं। यह हमारी छठवीं कहानी होगी। आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है नीमतीता और इसके रचयिता कहानीकार हैं शकुंतला मिश्र। वही शकुंतला मिश्र है जो बनकीपरा के संकलन करती है। ठीक, चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो को। कहानी का शीर्षक है नीमतीता और कहानीकार हैं डॉक्टर शकुंतला शर्मा। चलिए, मैंने हिंदी में इस कहानी को अनुवाद करने की कोशिश की है, उससे ही हमें इस कहानी की पूरी सार समझ में आएगी। दरअसल नागपुरी में कहानी बहुत लंबी है, मेरे ख्याल से 8-10 पेज में लिखी गई है। मैंने कोशिश करी है कि पूरा अंश इन 2-3 पेज में आ जाए। तो कहानी इस तरीके शुरू होती है कि राघव सिंह एक सम्मानित और गाँव के बड़े किसान हैं। उनकी छवि बहुत ही नेक है, जहाँ भी जाते हैं उनकी बातों को लोग ध्यान से सुनते हैं, मानते हैं। उनकी निष्पक्षता उनकी बातों में निष्पक्षता है और वो निष्पक्ष ढंग से फैसले करते हैं। राघव के पिता राघव की शादी के बाद ही स्वर्ग सिधार चुके हैं, मतलब उनकी पिताजी नहीं हैं। राघव संतु मास्टर के सहयोग से मास्टर बन गए हैं। वो दरअसल फॉर्म भर दिए थे, इस कारण से इनकी नौकरी हो गई थी। तो इसका लाभ ये हुआ कि उनकी घर बढ़िया से चलता है। अपने जो बहन हैं, भाई हैं, उन सबों को मनपसंद घरों में शादी करा दिए हैं और सब बढ़िया चल रहा है। भाइयों की शादी के कुछ दिन बाद ही घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं और उनकी जो भाव सब होते हैं, समझिए, उन सबों में बर्तन गिरने की आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है, अर्थात झगड़े शुरू होने जाते हैं, जिस कारण सभी भाई लोग अब अलग अलग रहने लगते हैं। घर जमीन तथा संपत्ति सब कुछ का बंटवारा हो जाता है। राघव सिंह अपने माँ पत्नी दो बेटियों तथा एक बेटा, कुल 6 परिवार में रहने लगते हैं। बाकी जो भाई थे अलग अलग रहने लग जाते हैं। यहाँ हम दरअसल राघव सिंह के ही बारे में पढ़ेंगे, तो उनकी परिवार पर यह पूरी कहानी अब जो है वो कंसंट्रेट होगी। राघव सिंह के बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली तथा मेधावी हैं। उसकी बेटी संध्या मैट्रिक में स्टेट टॉप कर जाती हैं तथा बेटा 8वीं में ही था, परंतु दिल्ली विज्ञान प्रदर्शनी में पुरस्कार जीतता है। राघव से खुश होकर बेटा का नामांकन रांची के एक बढ़िया स्कूल में करा देते हैं। इसी तरह से बड़ी बेटी बीए तथा एमए भी पास कर जाती है, दरअसल टॉप कर जाती है। इस बार भी संध्या टॉप कर जाती है। राघव सिंह की बेटी की सफलता पर मिठाई बाँटते हैं, परंतु संध्या की जो माँ है सरस्वती को अब संध्या की शादी की चिंता सताने लग जाती है। कोई भी जो एक सामान्य नागपुरी समाज में पैदा, नागपुरी का मुझे लगता है लगभग भारतीय समाज में देखेंगे तो, जब बेटी जवान हो जाती है तो उनके लिए उनकी ज्ञान गुण शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि उनको अब शादी कर दिया जाए। एक बहुत बड़ी समस्या है। वह अब राघव सिंह से संध्या की शादी की जिद करने लग जाती हैं। उधर संध्या का एमए पास किए लगभग अब 2 वर्ष बीतने को हैं। संध्या यूपीएससी की अब तैयारी करने लग गई है, दरअसल कंपटीशनल परीक्षाओं की वो फॉर्म भरने लग जाती है और तैयारी करने लग जाती है, लेकिन उनका मुख्य फोकस जो है अब यूपीएससी में है। वह यूपीएससी की पीटी तथा मेंस की परीक्षा पास कर जाती है, तत्पश्चात उन्हें इंटरव्यू भी दे चुकी है, अब परिणाम का आना बाकी है। संध्या के माता पिता उधर संध्या के वर खोजने में जुट चुके हैं। एक दिन की बात है, राघव सिंह की मुलाकात उनके पुराने दोस्त राजेश्वर सिंह से होती है। वह पेशे से वकील है तथा न्यायालय में उनकी बड़ी धाक है। जब भी बोलते हैं तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनकी बातों का तवज्जो बहुत है। जो भी केस लेते हैं जीत जाते हैं। बातचीत के बाद दोनों की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए राजी हो जाते हैं। दरअसल ऐसे अनायास मिल जाते हैं। दरअसल वो न्यायालय जाते हैं, न्यायालय नहीं, आई थिंक जिला कुछ काम से जाते हैं। इस वजह से जब राघव की राजेश्वर से मुलाकात होती है तो उस समय बातचीत जो होती है उसी में सब अपने बताए होंगे, तो राजेश्वर सिंह का एक बेटा है अनिल और राघव सिंह की बेटी है संध्या, उन दोनों ने अपने रिश्ता जोड़ने का मतलब कि फैसला कर लेता है। राजेश्वर बाबू का बेटा अनिल का विवाह अब संध्या से होना तय हुआ है। इस बात से राघव सिंह तथा सरस्वती दोनों बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि इतना बड़ा घर से रिश्ता जोड़ना सच में कितनी खुशी की बात है। देखिए, जिसमें राघव सिंह जो है उनका एक सामान्य सा परिवार है, जबकि जो राजेश्वर है उनका घर का स्टैंडर्ड, उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्तर है वो थोड़ा उच्च है।
इसलिए इन सबों को बड़ी खुशी हो रही है और ये सब एक तरीके से गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि इतने बड़े घर से रिश्ता जोड़ना हमारे लिए वाकई गर्व की बात है, ऐसा करें। अब बारी आती है छेका के दिन का। राघव सिंह के द्वारा लाए गए सामानों को देख कर राजेश्वर बाबू की पत्नी रूठ जाती है और राजेश्वर को दहेज, गाड़ी तथा अन्य सामान लेने के लिए उकसाती है। देखिए वो बता ही हो गया है कि जब, चूँकि इन सबों में दहेज को लेकर कोई ऐसी बातचीत नहीं होती है, दोस्त हैं तो शायद इस वजह से ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जब वो ठेका को के लिए जब जाते हैं राजेश्वर के घर में ये राघव, तो उनकी पत्नी का नाटक शुरू होता है, ड्रामा शुरू होता है और वो देखती है कि बहुत कुछ सामान यहाँ देने को नहीं है, अब प्रथा है, अब क्या कहिएगा सामाजिक, तो देख रहे हैं कि दहेज में कुछ है नहीं, तो वो रूठ जाती है। अब ये जब रूठ जाती हैं और राजेश्वर, जाहिर सी बात राजेश्वर बाबू की पत्नी इसको डांट लगाई अंदर, तब इधर से राजेश्वर बाबू सीधे सीधे अब दहेज की मांग राघव सिंह के समक्ष रख देते हैं। इस बात से राघव सिंह बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको तो लगा था कि आराम से ऐसे निकल जाएंगे, बहुत कुछ नहीं होगा, सब कुछ उनके पास है तो क्या मांगेंगे। दरअसल एक बार डिस्कस भी हो चुका था, जो सरस्वती है राघव सिंह की पत्नी, वो बोली भी थी कि पता नहीं दहेज वो एक बड़ा अच्छा तौंज मारते हैं कि जितने पढ़े लिखे लोग और जितने धनवान और जितने संपत्ति जिनके पास होती उतने ही दहेज लेते हैं, तो मुश्किल है। इस तरीके से जब उनकी बातचीत होती है उसी समय वो बोलती है और यही देखने को अभी मिल रहा है। अब देखिए आगे क्या हो। इस बात से परेशान होकर राघव सिंह चुपचाप के अन्य, हाँ, इस बात से राघव सिंह बहुत परेशान हो जाते हैं। कौन सी बात से? जब राजेश्वर सिंह उनसे लगा क्या है दहेज की मांग सीधे सीधे कर जाते हैं, तब अब वो जब घर पहुँचते हैं तो चुपचाप जाके कोने में एकदम सो जाते हैं, एक बिना किसी से कुछ कहे छेका करके आते हैं। और तब से अब राघव सिंह मास्टर का ये देखकर, जब ये देखते हैं कि जो राघव सिंह हैं वो घर गए और चुपचाप से सो गए किसी से बिना बातचीत किए, तो जो सरस्वती हैं राघव सिंह की पत्नी, वो समझ जाती है कि सारा मसला ये दहेज वाला है, कि कुछ लेके नहीं गई और कोई ऐसी बात नहीं हुई थी और अचानक से मांग कर गई है, इस वजह से ऐसा है। अब राघव सिंह एक मास्टर हैं तो क्या करने लगे, मास्टरी का सब पैसा जुगाड़ने लगते हैं तथा बैंक से लोन लेने के लिए भी आवेदन कर देते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड जो अब कर ली गई है, पैसे, गाड़ी, इन सबों की मांग कर दी जाती है राजेश्वर बाबू के द्वारा। इतना करने के बावजूद भी राघव सिंह दहेज के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं और चिंता में डूब जाते हैं। जब इसकी सूचना राघव सिंह की माँ को मिलती है तो बेटे को दुखी देखकर अपने हिस्से में आए नीम का खेत जो है, पुश्तैनी खेत, उसको बेचने के लिए कह देती है। ये बात सुनकर राघव सिंह अवाक रह जाते हैं, लगभग एकदम मुश्किल में पड़ जाते हैं, चूँकि वह खेत सबसे बढ़िया तथा पूर्वजों की पहचान का है। परंतु बेबस राघव सिंह के पास और कोई विकल्प है नहीं, इसलिए नीम के खेत बेचने के लिए सहमत होना पड़ता है उनको। नीम का खेत को बेच दिया जाता है। अब बारी है जमीन के पंजीकरण का। राघव सिंह अपनी बूढ़ी माँ को रिक्शा में बिठाकर कचहरी ले जाते हैं, बड़े बोझिल कदमों से, बड़ी समझिए कि नैन भरे आंसुओं के साथ उस तरीके से वो ले जा रहे हैं कोर्ट, चूँकि एक पुश्तैनी जमीन बेचना पड़ रहा है। वकील अंगूठा लगाने को ही होता है कोर्ट में, मतलब एक तरीके से जैसे ही वो अंगूठा लगाने के लिए कहता है, संध्या पहुंच जाती है। संध्या कौन है? वही राघव सिंह की बेटी जो UPSC की तैयारी कर जाती है। वो पहुंच जाती है और बताती है कि UPSC का रिजल्ट आ गया है तथा वह पूरे भारत में 24वां रैंक लाई है, जमीन बेचने की ज़रूरत नहीं। यह सब सुनकर राघव सिंह की आँखों में आंसू खुशी से ढुलक पड़ते हैं और दादी माँ भी अवाक रह एकटक अपनी प्रिय नातिनी की तरफ देखने लग जाती है। तो यहीं पर कहानी एक बहुत ही सुखांत तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो कुल मिलाकर इसमें देखिएगा तो इस कहानी में, हाँ, एक आगे एक थोड़ी सी और दो बातें थी कि जो ये उनकी नातिन है संध्या, जब आयुष बनती है तो वो अपनी दादी के नाम पर उसी नीम के पेड़ में, नीम के खेत में स्कूल खोलने का एक वादा करती है और कहती है कि अब इस तरीके का जो सामाजिक द्वंद्व वो है, द्वेष है, अब वो सब परेशानियाँ हैं वो सबको मिटाएंगी, इस तरीके का बात होता है और बाकी कहानी ख़त्म हो जाता है। यही है, चलिए इससे बनने वाले संभावित प्रश्नों को देखते हैं। नीमतिता कहानीकार कहानीकार के हैं क्या? तो शकुंतला शर्मा, बड़ी अच्छी ये कहानी लिखी गई है। आप पूरा पढ़ेंगे तो खैर ये सारांशीकरण से कुछ जो उनकी कहानी की जो
वो तरीके से कहीं इनको लय हो और वो जो मज़ा है वो थोड़ा टूट जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इतना कहानी सारांश समझना है। राघव सिंह नीम तीता कहानी में का काम करे ना तो मास्टरी करे ना। राघव सिंह कर कैठ हो बेटा बेटी रहें, दो बेटी और एक बेटा, संध्या कर शादी के कर से होवे तय होवेला तो अनिल से, अनिल कौन है, राजेश्वर कर बेटा। राघव सिंह कर पत्नी कर का नाम रहे सरस्वती, संध्या कर शादी खातिर राघव सिंह कौन डांड या खेत के बेचैना तो नीम डांड के, संध्या यूपीएससी में कौन रैंक लाने ला तो 24वां रैंक लाने ला। इस तरह के ये थी आज की कहानी नीम तीता। और चलिए नागपुरी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, स्टडी फॉर गर्ल्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे जो बड़ी कम कीमतों पर जो कोर्सेस है उसका लाभ उठाए, बड़ी मेहनत से पीडीएफ और जितने भी टेस्ट्स हैं वीडियोज़ हैं वो बनाए जाते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जोहार।